हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो कल के 3 वीडियोस के कमेंट्स लेके मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने कमेंट्स के वीडियो को सुनोगे और मुझे प्यार सपोर्ट वैसे ही करोगे जैसा आप लोग करते हो। और मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस छोड़ती हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे शॉर्ट वीडियोस देखिएगा। आई होप आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस एंजॉय करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेहनत बहुत करती हूँ शॉर्ट वीडियो के पीछे, प्लीज़ थोड़ा देख लीजिएगा और मुझे वैसे ही प्यार सपोर्ट कीजिएगा जितना आप मेरे समर के ब्लॉग मुझे करते हैं। थैंक यू सो मच। अभी मैं शुरू करती हूँ अपना पहला वीडियो से जिसमें गुनगुन के साथ प्लानिंग चल रही समर की शादी वाली। तो उसमें सबसे पहले माला जी का मैसेज उन्होंने लिखा, दीदी समर तो हर तरफ से हार मान गया है, अभी क्या करेगा, अभी देखते हैं क्या करेगा माला जी। थैंक यू सो मच। हिमेश जी ने मुझे नमस्ते लिखा, थैंक यू हिमेश जी। गीता जी ने हार्ट दिया, थैंक यू गीता जी। हेमा जी लिखा, दीदी यू आर वेरी लकी, कैन प्ले एंड एंजॉय विथ योर किड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच हेमा जी। उसके बाद अनिल डिसूजा जी ने लिखा, यू आर राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच अनिल जी। मुस्कान जी ने स्माइली दिया, थैंक यू मुस्कान जी। नंदिनी जी ने मुझे हार्ट बुके दिया, थैंक यू नंदिनी जी। कंचन जी ने लिखा है, समर तो बेशरम है, वो हर गर्ल को यूज़ करता है और मुझे लगता है आपने टाइम पास करता है। राधिका की मॉम ने उसे पुलिस को दी, ऐसे में को तो सारी उम्र की जेल होनी चाहिए। आपने हाथ भी दिया है, आप बहुत ब्यूटीफुल बोलती हो, आई एम हैप्पी। बच्चा सभी ऐसे होते हैं, टाइम आने पर सब सही हो जाएंगे। बाय बाय बाबू। थैंक यू सो मच कंचन जी, आप मुझे हमेशा मॉरल सपोर्ट देते हो। शांतिलाल जी ने लिखा है, ध्रुव को तो भूल ही गई है, एकदम ध्रुव को भूल ही गई है। अभी देखो, अभी अभी युवा नहीं है ना मेरे पास, अभी देखो कौन है मेरे पास, ये मेरा छोटा बेटा। जहाँ भैया नहीं रहता है वहाँ पे ये आ जाता है मेरे पास, जहाँ भैया जब आता है मेरे पास भागता है, सोचता है पापा बिल्कुल भैया मारे ना। उसके बाद जय सिंधिया जी ने लिखा है, गुनगुन का दिमाग में गुस्सा भरा है, जैसे समर बोलता है वैसे वो करेगी। समर सही लड़का नहीं है और दूसरी लड़की आएगी तो उसको ऊपर भी नज़र होगा उसका, एकदम पर लड़की आने की देर है समर के लिए, पैसे वाली लड़की हो तो क्या कहने। थैंक यू सो मच। उसके बाद रेणु जी ने आपने बिल्कुल सही कहा लिखा है, आपने हार्ट भी दिया, थैंक यू रेणु जी। अविनाश जी ने कहा, बेशम समर को कुछ तो शर्म नहीं, एकदम कोई शर्म नहीं है, उसको शर्म उसकी शर्म देखते देखते ना हम ही शर्मा जाएंगे। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज रह गया हो। संदीप जी का है, कुत्ते के पूछ कभी सीधी नहीं होती, एकदम सही पकड़े हैं, कभी सीधी नहीं होती। थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो, किसी का नहीं है अब इसमें। अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरी मैसेज की ओर जिसमें हमें जन्माष्टमी का आनंद दिलाई है राधिका। इसमें सबसे पहले नंदिनी जी का मैसेज है, उसमें लिखा है, राधिका लाइफ में फर्स्ट टाइम आपकी तिलक कुमकुम लगाने से बहुत अच्छी लग रही है, मैरिज के बाद सिंदूर कुमकुम बिंदी लगाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, भगवान आपके साथ सब सही हो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा लिखा। तारा बहन जी ने लिखा है, हैप्पी जन्माष्टमी, थैंक यू सो मच तारा बहन जी। उसके बाद रीमा जी ने हार्ट दिया है, फिर मुस्कान जी ने स्माइली दिया है, अविनाश जी ने राधिका डन गुड जॉब लिखा है, थैंक यू सो मच, और गीता जी ने भी हार्ट स्माइली दिया है, थैंक यू आप सभी को। कंचन जी ने लिखा है, राधिका इज़ वेरी गुड, आपने सही बोला, आई एम हैप्पी, आपने हार्ट भी दिया, थैंक यू कंचन जी। जय सिंधिया जी ने राधिका लाइक दिया है और रेणु जी ने गुड हार्ट दिया है, थैंक यू सो मच आप सभी को। और लीला जी ने भी हार्ट दिया है, आई थिंक आप मेरे साथ नए नए जुड़े हो तो वेलकम टू माई फैमिली। बस इतने ही मैसेजेस थे मेरे पास, एक बार मैं देख लेती हूँ झट से किसी का मैसेज अगर रह गया हो। हाँ, टाइम पास चैनल से मैसेज है, राधिका की लाडली। अच्छा, फिर उन्होंने लिखा है फेक वुमन। अच्छा, उनको राधिका फेक वुमन लगती है, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं देख लेती हूँ किसी का अगर मैसेज आया हो तो मैं, नहीं और किसी का मैसेज नहीं है। अब मैं अपने तीसरे वीडियो की ओर जा रही हूँ जिसमें गुनगुन को सारा कच्चा चिट्ठा राधिका की मम्मी ने बता दिया। ताशी जी ने उसमें लिखा है, बिल्कुल सही बोला समर, किसी के लायक नहीं है, थैंक यू सो मच ताशी जी। कंजन जी ने लिखा है, 100% राइट, गुनगुन को जब दोबारा धोखा मिलेगा तो तब समझ में आएगा, आएगा भी कि नहीं ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कंजन जी, थैंक यू सो मच। अविनाश जी ने लिखा है, गुनगुन समझ जाओ, माँ और बेटा बहुत चालाक है, बिल्कुल। रीमा जी ने लिखा है, राइट, थैंक यू रीमा जी, थैंक यू अविनाश जी। मुस्कान जी ने लिखा है, राइट मैम, थैंक यू मुस्कान जी। फिर
हेमा जी ने लिखा है, एब्सोल्युटली राइट, स्टिल गुनगुन इज टेलिंग राधिका दैट शी हैज़ कम बिटवीन देम, व्हाई आफ्टर सीइंग वीडियो एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज समर, गॉड नोज व्हाट इज इन हर माइंड। फिर यूज़र IE6OD7FK9M ने लिखा है, ठीक है दीदी, गांव से आकर इल्डेका और उसकी मम्मी प्रॉपर्टी के लिए ऐसे भी कर रही है, एकदम उनको तो प्रॉपर्टी ही चाहिए। थैंक यू सो मच। माला जी ने लिखा है, दीदी राधिका समर का सच्चाई बात बताना चाहिए गुनगुन को, तब ना पता चलेगा। सही बात है, जितना पता चला है उसी में गुनगुन विश्वास कर ले, वही बहुत है। थैंक यू सोन माला जी। प्रतिभा जी ने लिखा है, पैसा ही सब है ध्रुव, सही है एकदम। फिर प्रतिभा जी ने लिखा है, बर्बादी की तरफ ऐसा मोरा ऐसे हो गया। वीडियो डाल सकती तो क्या गुनगुन डला हुआ देख नहीं सकती क्या, जो पता नहीं उसे सब पता है, नाटक चल रहा है। थैंक यू प्रतिभा जी। अब मैं देखती हूँ किसी का मैसेज, सुनील राव का है, उन्होंने लिखा है, नीरज हार्ट, पैसा ही सब है दी एकदम। थैंक यू सो मच सुनील जी। फिर रेणु जी ने हार्ट दिया है, लिखा आपने सही कहा सिस्टर, थैंक यू सो मच। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो तो मैं पढ़ लूँगी। नहीं, सभी का मैंने पढ़ लिया है, किसी का नहीं छूटा है मैसेज। गुनगुन समझ जाओ माँ बेटा बहुत चला के, अविनाश जी ने फिर लिखा, बेशरम गुनगुन को कुछ समझ नहीं आता है क्या बोल रही है। सही कहा अविनाश जी, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने कमेंट के वीडियो में एक बार देख लूँ किसी का अगर मैसेज आया हो। कमेंट के वीडियो में कुछ मैसेजेस हैं। टाइम पास चैनल से लिखा है, व्हाई आर यू अगेंस्ट गुनगुन समर, हु गेव यू राइट, नोबडी गेव मी द राइट, बट आई एम नॉट अगेंस्ट समर एंड गुनगुन, दैट यू हैव मिस्टेकन इट, आई एम ऑलवेज विद देम, बट व्हाट द डीड दे आर डूइंग दैट इज नॉट करेक्ट एंड आई एम अगेंस्ट दैट व्हाट दे आर डूइंग, थैंक यू सो मच। बसंती जी लिखा है, बिल्कुल ठीक बोल रही हो, थैंक यू सो मच, अपने नमस्ते भी दिया है, हाथ भी दिया है, थैंक यू बसंती जी। रीमा जी लिखा है, अहमदाबाद में भी बहुत बारिश हो रही है, अरे वाह मज़े करो रीमा जी। रेनू जी लिखा है, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपने हाथ भी दिया, थैंक यू सो मच रेनू जी। गीता जी ने लिखा है, सिस्टर हमारे भी वर्षा हो रही है और थोड़ा मौसम अप गया है, आपने हाथ भी दिया है, थैंक यू सो मच गीता जी। रीमा जी लिखा है, कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, छोड़ो बेकार की बातें हर्षा जी, थैंक यू सो मच रीमा जी मॉरल सपोर्ट देने के लिए, आपने हाथ भी दिया है। बसंती जी ने लिखा है, आप अपना वीडियो बनाओ मैडम, हम भी देखेंगे, एकदम बनाऊंगी, थैंक यू सो मच, आपने हाथ भी दिया है। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो तो चलिए। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं कभी समर और गुनगुन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उन लोगों को उतना ही पसंद करती हूँ जितना मैं राधिका को पसंद करती हूँ, पर समर गुनगुन ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जो कारनामे मुझे नहीं पसंद होते। समर को चाहिए अगर राधिका के संग नहीं रहना है तो राधिका को स्ट्रेट अवे बोल दे, उसे यूज़ ना करे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं गुनगुन को पसंद करता हूँ, गुनगुन के साथ ही रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ऐसे अगर बोलेगा तो वो छोड़ देगी, किसी को किसी के संग ज़बरदस्ती आप नहीं बांध सकते, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो इतना बुजदिल इंसान, उसमें ये हिम्मत है नहीं। इनका ये ब्लॉग फेक ब्लॉग ज़रूर है, पर जो होता है वो चीज़ दिखाना चाहिए, रियलिटी दिखाओ। हम सीरियल भी देखते हैं तो हम रियलिटी खोजते हैं, तो रियलिटी दिखाओ तभी तो मज़ा आएगा देखने में, नहीं तो कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा। तो चलिए अपने वीडियो में एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और प्लीज़ मेरे शॉर्ट वीडियोज़ को भी सपोर्ट कीजिए, देखिएगा ज़रूर मेरे शॉर्ट वीडियोज़, तब तक के लिए बाय बाय।